जय हिंद दोस्तों, वीवरशिप फूड के एक और स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं धनगरी क्यूजीन। मैं खड़ा हूँ पुणे सोलापुर हाईवे में और वी आर एट होटल धनगरवाड़ा। तो जल्दी मिलते हैं और ट्राई करते हैं धनगरी क्यूजीन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ट्राई करते हैं। तो आप देख चुके हैं मेरा और थाली का, दोनों का ट्रेडिशनल वेलकम हो चुका है एंड आई एम हंग्री। एक छोटे से पॉज के बाद थाली मेरे पास आ चुकी है एंड दिस इज़ क्वाइट थॉटफुल। इन लोगों ने लॉन्च किया नगर सेवक थाली जिसकी प्राइस है 2022 रुपये, बिकॉज दिस इज़ द इलेक्शंस ऑफ 2022। अब देखते हैं थाली में इंक्लूजन्स क्या क्या है। तो थाली जो है इट इज़ ह्यूज, दो लोग लगे इसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। वी हैव एग, वी हैव चिकन, वी हैव क्रैब दैट इज़ खेकड़ा, वी हैव मटन, वी हैव अल्डी दैट इज़ चिकन सूप विथ सम पीसेस इन इट, वी हैव मटन रस्सा, वी हैव इंद्रायणी राइस, वी हैव बिरयानी, वी हैव सोल कड़ी, वी हैव चिकन लॉलीपॉप, वी हैव फिश फ्राई, ऑल दीज थिंग्स विथ 10 भाकरी एंड दिस इज रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट 5 पीपल शुड बी देयर टू फिनिश इट। अभी हम लोग इसका रिव्यू करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब इतनी बड़ी थाली के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि पहले मुझे जगह क्लियर करनी है सो दैट आई कैन स्टार्ट ईटिंग। तो हम लोग ये जो इंक्लूजन्स है इनको साइड में करना शुरू करते हैं। एज यू कैन सी 5 लोगों के लिए थाली है एंड आई एम ट्राइंग टू मेक सम स्पेस। तो अभी आई हैव सिग्निफिकेंट स्पेस, लेट मी मूव दीज भाकरी। बहुत ह्यूज थाली है दोस्तों और आई कांट वेट एनी मोर। तो शुरू करते हैं हम लोग चिकन फ्राई के साथ में। चिकन फ्राई जो है दिस इज़ विथ अ थिक ग्रेवी, आप इसको चिकन थवा फ्राई भी बोल सकते हैं। दिस चिकन इज़ वेरी नाइसली कुक्ड, इसके साथ में है थिक ग्रेवी, जो थिक ग्रेवी अ टिट बिट स्पाइसी एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड वे टू स्टार्ट माई थाली। तो चिकन से एक बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव टू एग। दिस एग इज़ अ टॉप अप मसाला ऑन इट, तो चीयर्स टू प्रोटीन एंड सम गुड हेल्थ। सरप्राइजिंगली मसाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो दिस इज मसाला विथ फाइन चॉप्ड अनियंस, इट हैज़ कोरिएंडर और एक जो रॉ मसाला होता है जिसको हम लोग देसी स्टाइल मसाला बोलते हैं, उस मसाले के साथ एक छोटा सा वर्जन है एग बेनेडिक्ट का धनगर स्टाइल में। ओवरऑल लाजवाब। तो दोस्तों चिकन और एग के बाद अब बारी है मेरे फेवरेट मीट की, दैट इज़ मटन। मटन जो है ये इनका ड्राई स्टाइल से हम लोग शुरुआत करते हैं, इसके बाद में हम लोग इसकी ग्रेवी टेस्ट करने ही वाले हैं। सो लेट मी टेक सम हीपिंग सर्विंग ऑफ मसाला। एक के बाद एक सरप्राइजेस मिल रहे हैं। मटन मसाला बहुत रिच है जैसा वो होना चाहिए, ड्राई मसाला है, बहुत स्पाइसी नहीं है, दिखने में वो ब्लैक दिखता है, मे बी बिकॉज दे यूज़ द अनियन एज अ होल, वो उसको पील नहीं करते इसीलिए उसका कलर थोड़ा ब्लैक होता है। और बहुत ही इनक्रेडिबल टेस्ट और बहुत अच्छा क्वांटिटी, सो समथिंग दैट यू शुड नॉट मिस इन अ थाली और एनी थाली, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस एट धनगरवाड़ा। दोस्तों अभी चिकन मटन और एग के बाद ये सारे मसाला डिशेज थे, अभी थोड़ा मूव करते थोड़ा फ्राई की तरफ। लेट मी Try this fish. Fish looks fibrous. ये जो कड़क स्टाइल फिश होती है उस टाइप की फिश इन्होंने बनाई है।
नाउ लेट्स ट्राई इट. तो एक थोड़ा बहुत बैलेंस है. जब ये चीज़ें थोड़ी सी स्पाइसी होते जाती है, दिस इज़ अ डिलाइट फैक्टर, वेयर स्पाइसेस नहीं है बट इट इज़ अ डिलाइट टू ईट. कम्प्लीटली डीप फ्राइड फिश है, थोड़ा चाइनीज स्टाइल मैरिनेशन है, बट ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड. तो दोस्तों अब जब सी फूड में हम लोग एंटर कर ही चुके हैं तो लेट मी ट्राई देयर क्रैब मसाला. दिस इज़ अनदर अट्रैक्शन ऑफ दिस थाली. एंड इनका जो क्रैब है, दिस इज़ इन द डीपेस्ट ब्लैक मसाला, और जो क्रैब का आर्म है वो मेरे हाथ लग चुका है. एंड लेट मी ट्राई एंड ईट दिस ऑन योर बिहाफ. क्रैब में बहुत अच्छा स्वाद है, बट जब आप, जैसे आपको पता होगा, क्रैब खाते वक्त थोड़ा बहुत मेसी हो जाता है. बट जो क्रैब है, इसके अंदर क्रैब मीट जो है, क्रैब का साइज़ छोटा है, मीट जो है वो बहुत अच्छा है, टेंडर है एंड बहुत अच्छे से कुक हुआ है. सो दिस वाज अ डिलाइट टू फाइंड खेकड़ा इन दिस रीजन एंड इट वाज आउटस्टैंडिंग. दोस्तों अब आते हैं चिकन लॉलीपॉप पे. लेट्स सी, दिस इज़ टिपिकल चाइनीज, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, दिस इज़ अ चाइनीज प्रिपरेशन. लेट्स ट्राई. दिस कैन नॉट गो रॉन्ग. जूसी, सकुलेंट, क्रिस्पी फ्रॉम द आउटसाइड, अंदर बहुत ही टेंडर है, चिकन फ्रेश है और एक बहुत अच्छा और डिलाइटफुल चिकन लॉलीपॉप इन दिस एंटायर थाली. दोस्तों अभी तो सिर्फ स्टार्टर्स की जर्नी ख़त्म हुई है, अभी वी हैव जस्ट गॉट इन टू द मेन कोर्स. और अगर आप महाराष्ट्र स्टाइल खाना खा रहे हैं तो भाकरी जो है, भाकरी को आपको अच्छे से उसको चूर के ही खाना चाहिए, अदरवाइज देर इज़ नो पॉइंट. हमारा महाराष्ट्र में एक सेइंग है, अगर आपके पाँचों उंगलियाँ गीली नहीं हुई तो आपका खाना नहीं हुआ. सो दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू. ये भाकरी है मेरे पास, आई एम गोइंग टू हैव द मटन रस्सा. उसके ऊपर थोड़ा सा तर्री, आइसिंग ऑन द केक एज दे से. और अभी इसको अच्छे से मिक्स करके मैं लूँगा एक किंग साइज बाइट. सो लेट्स टेस्ट द मटन करी. वाह, मटन करी एकदम धनगरी स्टाइल है. मटन में जो है, यू विल सी रेड चिली जो उन्होंने पीस के डाली हुई है, दिट इज़ नॉट अ फाइन ग्राउंड पाउडर. उसको जैसे पीस के डालना होता है उसी तरह सिल्वर ट्रे में पीस के उसको डाला गया है. मसाले जो है वो रॉ मसाले आपको देखने को मिलेंगे जैसे वो दिखते हैं, नॉट एवरीथिंग इन पाउडर फॉर्म जैसा प्लस रेस्टोरेंट्स में बनाया जाता है. जिस तरीके का आपको चाहिए एक रॉ टेस्ट, एक रॉ फील, वो 100% इसमें है. एंड दिस इज़ टर्निंग आउट टू बी अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी. वन बाय वन ओवरऑल मटन रस्सा इज आउटस्टैंडिंग. तो दोस्तों भाकरी के बाद और इंद्रायणी और बिरयानी तरफ जाने से पहले मैं इनका अलनी सूप जो है, दैट चिकन सूप, उसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ. बहुत सटल. सो ये बेसिकली जब चिकन बॉयल होता है तब का जो सूप है, ये दिस इज़ अलनी सूप, बहुत ही सटल. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग बिकॉज आई हैव बीन ईटिंग समथिंग दैट इज़ मॉडरेटली स्पाइसी, बट ये बहुत ही सटल है और बहुत अच्छा है. दोस्तों अभी बारी है इंद्रायणी राइस की. इंद्रायणी के साथ थोड़ा मटन ग्रेवी लेंगे और टेस्ट करेंगे. The thing that I like most about Indrayani is the consistency that it has, especially after being cooked. अब इसको taste करके देखते हैं मटन के साथ में. Wow, eating Indrayani rice has always been a beyond pleasant experience, and I'm taking it to next level by taking some mutton fry to it, and I'm going to take another bite.
आउटस्टैंडिंग। तो दोस्तों अब फाइनली मेरे पास आ चुकी है इनकी बिरयानी। हम लोग अभी बिरयानी टेस्ट करके देखेंगे। ये बिरयानी पे इनका ओन टेक है, ये कोई दम बिरयानी नहीं है या कोई दम पुख्त बिरयानी नहीं है। दिस इज़ अ फ्राई बिरयानी दैट जनरली रेस्टोरेंट सर्व। सो दिस इज़ नथिंग दैट यू विल फाइंड इन अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ बिरयानी। दिस इज़ देयर फ्राई बिरयानी। ट्राई करके देखते हैं। एग्जैक्टली जैसे सोचा था। दिस इज चिकन बिरयानी विथ फ्रेग्रेंट राइस विथ स्पाइसेस। यू कैन टेस्ट अ स्ट्रॉन्ग हिंट ऑफ द ब्लैक पेपर एंड ओवरऑल दिस इज अ गुड वे टू एंड योर मील। एंड एज आई सेड, इस बिरयानी का और दम बिरयानी का कोई कंपेरिजन हो नहीं सकता, बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन डिसेंटली एंड योर मील ऑन। ओवरऑल डिलाइटफुल। दोस्तों थाली पूरी टेस्ट कर चुका हूँ मैं। जो थाली मेड मी बियॉन्ड फुल, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। वॉट कुड बी बेटर टू एंड दिस एक्सपीरियंस विथ अ सोल कड़ी विच इज़ मच नीडेड आफ्टर दिस काइंड ऑफ मील। नाइस। सो नाइस फ्लेवर ऑफ कोकम एट द राइट क्वांटिटी। वी हैव द ब्लैक सॉल्ट एंड द कोकोनट मिल्क। बहुत अच्छा सोल कड़ी है एंड दिस वुडन बी कम्प्लीट विदाउट द सोल कड़ी। सो ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस एट धनगरवाड़ा। दोस्तों जाने से पहले एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा जो आपने अभी देखा। दिस इज़ देयर चिकन थाली। ये चिकन थाली में आपको मिलता है, यू हैव चिकन अलनी, यू हैव चिकन फ्राई, यू हैव एग मसाला एंड यू हैव चिकन ग्रेवी। उसके साथ में आपको मिलता है ठेचा सैलड और आपको मिलती है भाकरी। ये थाली की एक ऑफ़र मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप धनगरवाड़ा के टोटल 8 ब्रांचेस हैं, अगर आप किसी भी ब्रांच में जाओ तो आपको दो थाली के ऊपर एक थाली फ्री मिलेगी। और जो बिरयानी आपने देखी है अभी इसी थाली में, जो मेगा थाली हमने ट्राई की, उस बिरयानी पर भी ऑफ़र है। किसी भी ब्रांच में अगर आप दो बिरयानी लेते हो तो आपको एक बिरयानी फ्री मिलती है। सो वेन एवर यू आर एट धनगरवाड़ा, डेफिनेटली टेक अ लुक एट देयर ऑफर्स एंड डेफिनेटली एन्जॉय देम। का खाना बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इसी इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस के साथ आज आपसे विदा लेना चाहेंगे। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, वी वर्शिप फूड में हम लोग बिलीव करते हैं कि खाना जो है वो खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। भले ही मैंने कितनी बड़ी थाली यहाँ पे टेस्ट की हो, वी वर इनवाइटेड हियर टू एक्सपीरियंस दिस। इसमें से खाने का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होगा, ये गारंटी हम आपको देते हैं। एट वी वर्शिप फूड वी चेरिश द क्रेडिबिलिटी एंड द हार्ड वर्क दैट इज़ बीइंग पुट बाय द रेस्टोरेंटर एंड बाय द कुक। ये कोई भी खाना वेस्ट नहीं होगा, ना ही हम लोग कोई भी खाना फ्री में खाते हैं। एंड अगर आपको हमारे वीडियो में फीचर होना है तो इट इज़ बाय इनवाइट ओनली। तो डेफिनेटली हमको सोशल मीडिया पे चेकआउट कीजिए एट वी वर्शिप फूड इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद।